अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मकई के पापड़ बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, पापड़ बनाने का सीज़न स्टार्ट हो गया है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और होली भी आने वाली है, तो हम सब नए अपनी छतों पे चिप्स और पापड़ बनाते हैं। तो मैंने इस बार नया पापड़ ट्राई किया है, मकई के पापड़। ये राजस्थान का बहुत ही फेमस पापड़ है, इसका नाम है खिचिए, राजस्थानी लैंग्वेज में इसको खिचिए कहते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी को गर्म करना है, उसमें हमने डालना है 1 छोटा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसी में हमने सारे मसाले पहले ऐड कर देने हैं। अब हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन भी डालेंगे हम इसमें। बहुत ही फ्लेवरफुल पापड़ होता है, आप भी इस होली ज़रूर से ट्राई करिएगा, सबके लिए कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा और टेस्टी भी। हम इसे डाइजेशन के लिए और एक अच्छा सा किक देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग और इन सभी चीज़ों का हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा पानी बॉयल होने लगा है। अब यहाँ पे हम डालना है इसमें कॉर्नफ्लोर यानी कि मकई का आटा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप मकई का आटा लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कंटिन्यू हमने इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता, हमने तब तक इसको कुक करना है। हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, अगर हाई करेंगे तो ये नीचे से लग भी सकता है जो कि इसके टेस्ट को ख़राब करेगा। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे बहुत ही पसंद आया था ये। इसको अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे इसी तरह से, और ये देखिए ये ड्राई हो चुका है मिक्सचर। हम इसे इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इस एक मसलिन क्लॉथ लेंगे, अगर आप चाहें तो कोई सा सॉफ्ट क्लॉथ ले सकते हैं, उस पर हमने इस मिक्सचर को डाल देना है और अच्छे से कवर कर देना है हमने इसको, ऊपर से नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, एक पैकेट की तरह बना लेना है। और यहाँ पे हमने पहले से पानी को बॉयल कर लिया था, अब हम इस मिक्सचर को स्टीम करेंगे। उसके लिए हमने इसके ऊपर स्ट्रेनर रखा यानी कि झन्ना, उसके ऊपर हम इस पैकेट को डालेंगे जो हमने बनाया है। अगर आप चाहें तो स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टीमर अवेलेबल है तो, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ऐसे इसको स्टीम कर रही हूँ। ये ऐसे भी काम करेगा बहुत ही अच्छा। ऐसे ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए हमारा मिक्सचर। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको स्टीम करना है। 5 मिनट के बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे, ये रेडी है, हम इनको निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के बाद हम एक परात में इस मिक्सचर को लेंगे और 2 मिनट तक नीट करेंगे यानी कि गूंद लेंगे। अब हमने एक प्लास्टिक शीट ली है बड़ी सी, उस या बटर पिकअप पर कभी यूज़ कर सकते हैं। उस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि हमारा पापड़ जो हम बनाए वो चिपके नहीं, इस पर स्टिक नहीं करें। अपने हाथों को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं इस तरह से। इस बॉल को हम इस प्लास्टिक शीट पे रखेंगे और ऊपर से इसको दूसरी प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं, उसी प्लास्टिक से आप कवर कर सकते हैं। और एक फ्लैट प्लेट की हेल्प से हम इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ अच्छे से। ये देखिए हमारा पापड़ ये बन गया है। इसकी ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, अगर ये ज़्यादा थिन होगा तो ये फट जाएगा जो कि बिल्कुल ख़राब बनेगा फिर पापड़। यहाँ पे मैंने दूसरी परात ली है, उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो ऑयल की स्मेल आ सकती है इसमें, इसलिए बहुत ही थोड़ा ऑयल लगाया है हमने। और इस पर इस पापड़ को अच्छे से डाल दिया है। इसी तरह से सारे पापड़ तैयार करने के बाद हम इसको धूप में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए। ये देखिए सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको फ्राई करके भी देखेंगे कि ये कैसा बना है। उसके लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, हम इसमें अपने पापड़ को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही तेज़ होना चाहिए गर्म आपका तेल। ये देखिए ये फूलने लगा है, आप देख सकते हैं ये बड़ा होने लगा है, मतलब हमारा पापड़ बहुत ही अच्छा बना है। तो
हमारा पापड़ बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। मकई के पापड़ हमने बना के रेडी कर लिए, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी। तो आप भी इस होली ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया इवनिंग स्नैक तैयार हो चुका है बनके। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई इजी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ मैं आपको जल्दी मिलूंगी। तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ़।